भाई जितने केले मैंने खा लिए ना आज, मुझे नहीं लगता कोई बंदर खाता होगा एक दिन में। जय शिव शंकर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो गाइज, आज है 1 मार्च और आज है हमारी शिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और बाकी देखते हैं आज का प्लान। सोच रहा हूँ पट्टे मोड़ जाया हूँ, तो चलते हैं वहाँ पे। बाकी गाइज, उधर जाने की सोच रहा हूँ मैं। वहाँ पे अपना पट्टे का मोड़ है ना, शिव मंदिर है प्राचीन, वहाँ पे मेला भी लगता है। बाकी अभी पता नहीं होगा आज की नहीं, तो वहाँ चलते हैं अभी। बाकी मौसम देखिए आज भी ख़राब है बढ़िया, तो वहाँ चलेंगे। बाकी आसपास के मंदिरों में भी जाएंगे जो हमारे गांव के आसपास है ना। सो गाइस, अब जा रहे हैं हम अपने मंदिर। यहाँ पे हमारे ज्वाला माता मंदिर पड़ता है ना रास्ते में, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों जा रहे हैं। बाकी धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी लगने लग गई। अब मौसम लगभग साफ ही हो गया ना। और आज तुम्हारे भाई ने भी व्रत रखा हुआ है, पर सुबह से 6 केले खा चुका हूँ। 6 नहीं 4। पर चलो कोई नहीं, एक दिन तो हम भी रख ही सकते हैं व्रत। और ऐसा कुछ है, बाकी दिखाता हूँ आपको मैं वेदर। सो गाइस, ये है हमारा बढ़िया रोड, टाइलें बढ़िया बिछ चुकी है इसमें। और ऐसा हो रहा है कुछ वेदर, बादल वगैरह चाह ही चुके हैं। और ऐसा ही कुछ है। सो गाइस, ये आ चुके हैं हम अपने ज्वाला माता मंदिर। अब चलते हैं, यहाँ पर शिव जी को पानी चढ़ाते हैं और फिर घर चलेंगे। बाकी उसके बाद मैंने पट्टा मोड़ भी जाना है, तो वहाँ भी चलेंगे। जय शिव शंकर। सो गाइस, अब दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं घर के लिए। बाकी यार ये पता नहीं क्या हो गया, बिंदी सी बन गई माथे पे, पिंपल हो गया एक छोटा सा। और अब मैं जाऊंगा अपने पट्टे मोड़। बाकी एक और मंदिर रास्ते में पड़ता है, उसमें भी जाएंगे आज, सारे मंदिरों में जाएंगे। सो गाइस, हमारा गांव दिख रहा है देखो, बढ़िया सुंदर। ये टटली इधर। बाकी एक छोटा सा मंदिर ये भी है, इधर भी चलते हैं। गाइस, अब निकला हूँ घर से शिव मंदिर के लिए। बाकी तुम्हारे भाई ने 5 केले खा लिए हैं अभी तक। तुम्हारा भाई बंदर ही तो नहीं बन गया कहीं? और बाकी मंदिर में प्रसाद मिला था केला, तो खा लिया। बाकी अब चलते हैं शिव मंदिर। और गाइस, अंदर तो मैं कह नहीं सकता कि अंदर जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। बाकी आपको बाहर से दिखा देंगे क्या है क्या नहीं। तो चलिए, बाकी ये मंदिर हमारा कालका शिमला हाईवे पे पड़ता है, धर्मपुर के बाद पड़ता है, हाईवे पे ही है बिल्कुल अपने। तो चलिए, बाकी गाइस यार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलर और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बस एक। तो ऐसा कुछ है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी गाइस, पहले ना हम कज़न वगैरह सारे अपने मिल के अपने घर से पैदल चल जाते थे, पट्टे मोड़ तक होगा 3-4 किलोमीटर होगा हमारे घर से। बढ़िया मस्ती मारते जाते थे, क्योंकि वहाँ पर ना रश बहुत ज़्यादा होता है। और अब तो जैसे 4 लेन बन गई है, पर पहले तो डबल लेन ही अपनी 2 लेन ही होती थी ना, तो जाम लगता था बहुत और लोगों को पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। लोग अपनी 1-1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा के जा रहे हैं दर्शन करने। और मेला भी लगता था, अब पता नहीं कैसा होगा मेला। तो ऐसा कुछ है, बाकी रोड पर तो पहुँच गया मैं। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे और 5-2-3 मिनट ही लगेंगे और पहुँच जाएंगे पट्टे मोड़। तो गाइस, पहुंच चुका हूं पट्टे मोड़ और बस में रश, उफ मर गए। बड़ा मुश्किल से तो चढ़ पाया मैं। और देखिए ज़रा
लाइन दिखाऊं मैं आपको मंदिर में दर्शन के लिए, वो उधर तक है लगी हुई और मंदिर है इधर। बाकी गाइस अंदर तो नहीं जा सकता मैं क्योंकि बहुत रश है, देखो लाइन ही देख लो कितनी है। तो यही घूमते हैं अभी मेला ही, बाकी ऊपर भी काफ़ी भीड़ हो रही है उधर और चल रहे हैं हम बढ़िया। बाकी रश देखिए वो लास्ट तक है उधर रश अपना, मैं जूम करता हूँ उधर, ये देखिए सारा रश ही रश है। बाकी गाइस कोरोना टाइम में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए ऐसे रश में, तो घर को निकल लेंगे अभी टाइम से। बाकी गाइस इधर भंडारा दिया जा रहा है और उस साइड भी भंडारा दिया जा रहा है जो रेड कलर का टेंट है ना, और लोग घूम रहे हैं बढ़िया यहाँ बैठ के भी खा रहे हैं फुटपाथ पे, तो ऐसा कुछ है। तो गाइस शिव पार्वती की झांकी निकल रही है इधर, देखो ज़रा बाकी गाइस पहले यहाँ पे झूले वगैरह लगते थे, इस बार नहीं लगे हैं, इस बार ये दुकान नहीं लगी है। गाइस देखिए जरा फोर लेन रोड पे ही जाम लग रहा है, तो अपना जब ये फोर लेन नहीं बनी थी तो कितना जाम लगता होगा इधर, तो ऐसा कुछ है। बाकी मंदिर तो उस साइड है, मैं आ चुका हूँ इधर क्योंकि अब मैं घर को जा रहा हूँ इधर ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। बाकी वहाँ से तो बस मिलेगी ही नहीं, मतलब मिलेगी भी तो धक्का मुक्की हो जाएगी बस में चढ़ने के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जाने के लिए, तो थोड़ा पीछे चलता हूँ वहाँ से चढ़ूँगा। सो गाइस अब आ चुका हूँ मैं वापसी, अब चलते हैं घर के लिए। सो गाइस घर पहुँचने वाला ही हूँ, मतलब पहुँच ही चुका हूँ, और अभी साथ वाले गाँव में भंडारा भी था तो वहाँ पर साथ भी ले लिया। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।